उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए जहरीली शराब कांड के बाद सरकार सख्त दिख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए शराब माफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उनकी संपत्ति नीलाम कर पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। शनिवार को बैठक के दौरान योगी ने यह निर्देश जारी किया है। उन्होंने प्रदेश के डीजीपी, प्रमुख सचिव, आबकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से सीएम योगी ने अवैध शराब के काले कारोबार पर हर हाल में अंकुश लगाने को कहा है। सीएम ने इसके साथ ही चेतावनी दी है कि यदि किसी इलाके में अवैध शराब बिकती हुई पाई जाती है तो वहां के थानेदार और आबकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। निलंबन और बर्खास्तगी के साथ ही एफआईआर दर्ज कर जेल भी भेजा जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में अवैध शराब नहीं बिकनी चाहिए। इस काले कारोबार पर हर हाल में अंकुश लगना ही चाहिए। शुक्रवार को प्रयागराज जिले के फूलपुर के अमीलिया गांव में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। पहली मौत एक पान विक्रेता की गुरुवार रात हुई, जबकि 5 अन्य ने शुक्रवार को दम तोड़ा। वहीं 5 अन्य को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले लखनऊ, मथुरा और फिरोजाबाद में भी जहरीली शराब से कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.